और उनको अगर आईपीओ से फंड रेज करना है तो उनको अपने शेयर्स में से कुछ शेयर्स, फॉर एग्जांपल मान लो किसी कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए है। यहाँ पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि कंपनी जब भी आपको डिविडेंड परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर करके दे, किसी भी शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, वो फेस वैल्यू क्या होती है और उसका यूज क्या होता है, इन दोनों चीजों को जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और आप देख रहे हैं आम इन्वेस्टर। कभी अगर आपको कोई बोले पार वैल्यू तो उससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि फेस वैल्यू को भी कभी कभी पार वैल्यू बोल देते हैं। जब कोई कंपनी एक लीगली शुरू होती है तो उस वक्त कंपनी शेयर इशू करती है और कंपनी इन शेयर्स को जिस प्राइस पर इशू करती है उस प्राइस को बेसिकली हम कहते हैं फेस वैल्यू। जो कंपनी के इनिशियल शेयर्स होते हैं ना, इनिशियल शेयर मतलब जो शुरुआती शेयर्स होते हैं, वो मुख्यतः कंपनी के फाउंडर और प्रमोटर्स के पास ही होते हैं, जिससे वो बाद में आईपीओ लाकर फंड रेज करते हैं। एग्जांपल के लिए समझते हैं कि किसी एक व्यक्ति ने कोई एबीसी नाम की कंपनी शुरू कर दी और अपनी इस पूरी कंपनी को उसने डिवाइड किया 1 लाख शेयर्स में। कंपनी के हर शेयर का प्राइस रखा उसने 10 रुपए। भाई ऐसे में हम कहेंगे कि एबीसी कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपए है। एक्चुअल में ज्यादातर इंडियन कंपनी जो है वो अपने शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए रखती है, क्योंकि ऐसा करके कंपनियों के लिए कैलकुलेशन पर्पस से ये चीज बहुत इजी हो जाती है। अब अगर कंपनी के मालिक और प्रमोटर्स के पास 1 लाख शेयर पड़े हैं और उनको अगर आईपीओ से फंड रेज करना है तो उनको अपने शेयर्स में से कुछ शेयर्स पब्लिक में आम रिटेलर्स को बेचने पड़ेंगे। यहाँ पर लेकिन एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि आईपीओ के टाइम पर कंपनी के मालिक शेयर प्राइस को 10 रुपए से ज्यादा भी रख सकते हैं, और शेयर का प्राइस शेयर की फेस वैल्यू से जितनी ज्यादा रहती है उस डिफरेंस को हम कहते हैं शेयर का शेयर प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल जब डीमार्ट अपना आईपीओ लेकर आया था तो उसके एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपए, और आईपीओ इशू के टाइम पे मतलब जब आईपीओ उसका इशू हुआ और आईपीओ के समय उसका प्राइस था 299 रुपए। इसका मतलब है कि डीमार्ट ने अपने शेयर को आईपीओ में 289 के शेयर प्रीमियम पर सेल किया। अब जान लेते हैं इसका यूज फेस वैल्यू का। कोई भी कंपनी कभी डिविडेंड देती है या डिक्लेयर करती है तो वो अक्सर डिविडेंड को फेस वैल्यू के ऊपर ही बताती है। अब कई नए इन्वेस्टर इस चीज को बिना समझे बड़े खुश हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और बाद में जब उनको ये कॉन्सेप्ट पता चलता है तो उनको डिविडेंड मिलने की खुशी भी नहीं रहती है, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ हजारों लाखों लगा के लाखों करोड़ों के डिविडेंड के सपने देख रखे होते हैं। तो अगर कोई कंपनी 150% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो अपने शेयर प्राइस पर नहीं, अपने फेस वैल्यू पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी कंपनी के स्टॉक की फेस वैल्यू 10 रुपए है और उसका स्टॉक प्राइस 50 रुपए का है, और कंपनी ऐसे में 150% का डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है, तो इसका मतलब कंपनी अपने फेस वैल्यू का 120% यानी 10 रुपए का 120% जो कि 12 रुपए होता है वो डिविडेंड के तौर पर देने वाली है। वहीं अगर ये डिविडेंड का परसेंट 120 ना होकर 50% होता तो 10 रुपए की फेस वैल्यू का 50% मतलब 5 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिलता। अगर किसी कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपए है और वो कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है 1000%, तो उसका मतलब यही है कि कंपनी अपने फेस वैल्यू जो कि 1 रुपए का 1000% होगा वो डिविडेंड के तौर पर दे रही है, मतलब कि 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। यहाँ पर हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि कंपनी जब भी आपको डिविडेंड परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर करके दे तो उसका मतलब हमेशा यही होगा कि कंपनी अपने फेस वैल्यू पर वो परसेंटेज डिक्लेयर कर रही है, ना कि शेयर प्राइस पर। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि किसी शेयर की फेस वैल्यू क्या होती है। उम्मीद है कि जानकारी और वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई हो तो लाइक करके शेयर भी कर देना। कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग या बताना हो तो कमेंट्स में आपके हमेशा स्वागत है। मेरा नाम है अमित ढोंडियाल और मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू।